बात होती है तो अब बात हो रही है बुर्के पर। बुर्का पहनकर जो महिलाएं वोट डालती है उन महिलाओं पर शक जाहिर किया है, उन वोटों पर शक जाहिर किया है बीजेपी ने, और इस बाबत बीजेपी का क्या कुछ कहना है और यह पूरा मामला है क्या, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान गधा, चूहा, भैंस और जूस के बाद अब बुर्के की बारी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती ने एक दूसरे पर कई चीजों को लेकर तीखी टिप्पणी की, लेकिन अब सियासी रण में बुर्के का नाम भी शामिल हो गया। दरअसल यूपी चुनाव के आखिरी दो चरण बचे हैं, जिनका मतदान 4 और 8 मार्च को हो रहा है। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने मतदान के दौरान बुर्के में आने वाली महिलाओं की पहचान करने की चुनाव आयोग से अपील की है। बीजेपी ने चिट्ठी लिखकर मांग की है कि बुर्के पहनकर आने वाली महिलाओं के जांच के लिए महिला पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बूथों पर तैनाती की जाए। अब इस पर राजनीति गर्मा गई है। बीएसपी और सपा ने चुनाव आयोग से बुर्के की शिकायत पर बीजेपी को निशाने पर लिया है और हार देखकर बौखलाने का आरोप लगाया है। वो हर बयान ऐसा दे रही है भारतीय जनता पार्टी जिससे अब आखिरी चरणों तक भी वो ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। वो निराशा और हताशा है उनकी। ये कोई नया चुनाव नहीं हो रहा है, वो हमेशा से वो पहनती थी बुर्का और वो वोट डालती हैं और अभी भी डालेंगी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है ये इस बात को दर्शाता है कि उनमें कितनी निराशा है, कितनी हताशा है और उनको हार साफ दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इस तरह के बयान दिए हैं जिससे वो हार को इस समय मान रहे हैं कि उनकी पार्टी हार रही है। अब बीजेपी की मानसिकता इसे समझ लीजिए, ये सिर्फ चुनाव आयोग से हमारे शिकायत करी गई जिससे हिंदू मुस्लिम बात हो सके, सांप्रदायिकता फैल सके। और मैं तो कहूंगा ये बातें जो करते हैं हताशा भरे लोग करते हैं। मैं देख रहा हूँ ये चुनाव बीजेपी चुनाव नहीं लड़े, चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव एक तरीके से लड़ रही है। रोज बीजेपी कोई ना कोई शिकायत चुनाव आयोग में आप उठा कर देख लीजिए, अब तक हजारों बीजेपी कंप्लेन कर चुकी है, लेकिन उनके नेता जो व्यवहार कर रहे हैं उसकी हम लोगों ने तो एक बात भी नहीं की। कमजोरी शिकायत करता, ताकतवर शिकायत नहीं करता है। इसी से सिद्ध हो रहा है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, बीजेपी हड़बड़ाई हुई, बीजेपी बौखलाहट। वहीं बीजेपी नेता विनय कटियार ने बीजेपी की चिट्ठी का समर्थन करते हुए कहा है कि इस चिट्ठी का मकसद सिर्फ फर्जी मतदान को रोकना है। वहां पर और महिलाओं को ड्यूटी में लगाया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि रिपीटेशन भी नहीं होगा, वो दोबारा वोटिंग भी नहीं कर सकते हैं, फर्जी वोटिंग नहीं हो सकती है और सबकी फोटो का मिलान हो सकता है। जाहिर सी बात है अब सिर्फ दो चरण के मतदान बच गए हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जीत के लिए जुगाड़ बैठा रही हैं और बुर्का भी वोट पाने के लिए सिर्फ एक जुगाड़ भर ही है। अब देखना है इस बुर्के पर राजनीति का मतदान के दौरान किस पार्टी को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK247 न्यूज। तो चिट्ठी लिखी गई है बीजेपी की तरफ से बाकायदा, और इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है आने वाले चरणों में जो मतदान होने हैं वहां पर महिलाएं जो कि बुर्का पहने हुए महिलाएं हैं जो वोट डालने जाती हैं उनके बूथों पर विशेष सुरक्षा महिला सुरक्षा कर्मी तैनात की जाए और उनकी जांच हो कि वो आइडेंटिफाई हो सके कि वो असली वोटर्स हैं या नहीं, यानी कि बुर्के की आड़ में कहीं फर्जी वोट तो नहीं डाले जा रहे। ये बीजेपी ने अपनी आपत्ति जाहिर की है, हालांकि इस पर अब सियासत गर्म होने लगी है। लेकिन JK247 न्यूज उन महिलाओं के पास गया जो कि बुर्का पहनती हैं, जो बुर्के के लिबास में जो वोट डाल चुकी हैं, उन महिलाओं से जब बात की हमारे संवाददाता ने तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। मेरा तो कहना यही है कि हम लोग जैसे पर्दे में रह रहे हैं, हम लोग अपने मतलब कि धर्म का पालन करना है, हम लोग को अपने धर्म का पालन करना है और हम लोग को पर्दा फाश नहीं करना है, पर्दा उठाना नहीं है, इसी पर्दे में रहकर हम लोग को वोट देना है। हम लोग का धर्म है, हम लोग नकाब लगा के रहते हैं, हम लोग पर्दे से बाहर नहीं होंगे, चेहरा ढक के वोट देंगे, हम लोग पर्दा नहीं उठाएंगे, जो हमारा धर्म है वही करेंगे, उसके खिलाफ नहीं करेंगे। और जो बुर्के पर राजनीति की बात होती है तो एक मुद्दा बुर्के पर विवाद से जुड़ा हुआ और सामने आ जाता है। दरअसल बीते कुछ दिन पहले उत्तर